हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनसे मुलाकात किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओबी प्रोटेस्ट के जो लीडर है पवन सर। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्या कुछ हुआ है, पूरा अपडेट्स आपको मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहे लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शुरू में ही पवन सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो आज सुबह सवेरे जब हमारी आँख भी नहीं खुली थी, पवन सर अपने घर से निकले, फिर 8-9 बजे तक शिक्षा मंत्री के घर के सामने पहुँच गए थे। फिर वहाँ तक बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे और तकरीबन 20 से 30 स्टूडेंट्स भी आए थे, सब सारे जमा हुए वहाँ पे। फिर पुलिस वाले भी पूछ रहे थे कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या काम है। तो पवन सर ने उनको बताया कि देखिए, भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अपने एग्ज़ाम ऑनलाइन करा रहे हैं, लेकिन हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफलाइन करा रहे हैं। ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो हम इस बारे में हम शिक्षा मंत्री से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फिर पुलिस वालों ने बोला ठीक है, देखते हैं। फिर और बहुत देर तक इंतज़ार करते रहे। लास्ट में तकरीबन 11-12 बजे के आसपास अंदर जाने का परमिशन मिला। तो स्टूडेंट्स तो बहुत सारे थे, 20-30 स्टूडेंट्स थे, तो सारे को अंदर जाने का परमिशन नहीं मिला। पवन सर और साथ में 3 स्टूडेंट्स गए थे, टोटल 4 को परमिशन मिला था। फिर अंदर जाके शिक्षा मंत्री से मिले, शिक्षा मंत्री के जो पीए है उनसे मिले। तो शिक्षा मंत्री से बहुत सारी बातें हुई है, मतलब शिक्षा मंत्री को एप्लीकेशन दिया गया कि आप हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एग्ज़ाम करा दीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट किया गया है। और हमारा जो क्लासेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नाम के वास्ते ऑफलाइन क्लास कहा जा रहा है कि हाँ चल रही है, लेकिन ज़्यादातर क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही है। कुछ क्लासेस तो ऐसी है जो ना ऑनलाइन चल रही है ना ऑफलाइन चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। तो इन सब का मतलब जो एविडेंस है स्क्रीनशॉट, उसका प्रिंट आउट करके सारे एविडेंस के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स, लगभग 200-250 पेज मतलब डॉक्यूमेंट्स थे पवन सर के साथ, पवन सर के पास। वो सारे शिक्षा मंत्री को जमा किए, सारे एक्सप्लेन किए। शिक्षा मंत्री जी भी अच्छे से बात किए कि हाँ देखते हैं, ये तो सही बात है कि जब क्लास ऑनलाइन चल रही है तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन तो ये स्टूडेंट्स का फ्यूचर का ये सवाल है। पवन सर ने बहुत अच्छे से समझाया शिक्षा मंत्री को। तो शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि ठीक है, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो VC हैं उनसे बात करते हैं, फिर कब तक बात करेंगे, कब तक इसका जवाब मिलेगा ये कंफर्म नहीं है। पवन सर ने ये पूछा था कि सर हम कब तक हमें पता चलेगा, तो शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि ठीक है, हम बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स को और थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रिज़ल्ट आने का चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं उनको सारी बातें बताई गई है और वो बात भी करेंगे VC साहब से, फिर देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। और शिक्षा मंत्री के जो PA थे उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने एक बात कही कि आप लोग बात रख रहे हो लेकिन डूसू कहाँ है, यहाँ पे तो डूसू को आना चाहिए, क्योंकि डूसू को हमने वोट देकर वहाँ पे बिठाया है कुर्सी में हम सब स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे काम के लिए वही सामने नहीं आ रहे हैं। तो पवन सर ने बताया कि डूसू और VC साहब उनकी बात एक ही है, इसलिए वो नहीं आए। बाकी हम स्टूडेंट्स, हमारे मांग जो है, हम अपने मांग के लिए यहाँ पे आए हैं, हमारी बात को सुनिए। तो फिर उन्होंने भी बात सुनी है, तो देखते हैं अब रिज़ल्ट क्या आता है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। जब भी कोई रिज़ल्ट आएगा हम आपको अपडेट्स कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे जो प्रोटेस्ट है, हम जो लड़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।